हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपको द प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी और बच्चों को आप कितने आसान तरीके से समझा सकते हैं कि प्रीपोजिशंस हम क्यों यूज करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को आसान तरीके से प्रीपोजिशन सिखाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्री बनाया है। ट्री में यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशंस लिख दिया है और इसमें मैंने क्या किया है, एप्पल्स की शेप में इसके अंदर मैंने प्रीपोजिशंस लिख दिए हैं, जितने भी हम फर्स्ट और सेकंड क्लास में कराते हैं। और इसके अलावा जो बाकी और भी आते हैं, इसमें प्रीपोजिशंस बहुत होते हैं, बट वो हम थर्ड क्लास से स्टार्ट कराते हैं। अभी फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ इतने ही बच्चा लर्न करता है। अब बात आती है कि प्रीपोजिशंस होते क्या है, प्रीपोजिशंस का क्या यूज़ है और क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा सेंटेंस पहले बना कर दीजिए बच्चों को, उसके बाद आप प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लर्न कराइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द एप्पल्स आर डैश द ट्री। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं फिल किया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को ही जोड़ते हैं तो इसका क्या सेंस निकलेगा, द एप्पल्स आर द ट्री, तो कि सेब पेड़ है, तो इसका तो कुछ सेंस निकला नहीं। तो बच्चों को आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रीपोजिशंस की क्या इम्पोर्टेंस है, प्रीपोजिशंस को हम क्यों यूज करते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्रीपोजिशन फिल करती हूँ तो क्या बन जाएगा, अभी मैं बोल रही हूँ कि सेब पेड़ है, अगर मैंने यहाँ पे ऑन लगा दिया द एप्पल्स आर ऑन द ट्री, तो क्या बन गया, सेब पेड़ पर है। तो ये बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तो उसका कोई भी मीनिंगफुल आंसर नहीं निकलता है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता है। उसके बाद बच्चों को आप डेफिनेशन सिखाइए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेट कराते हैं, किसी भी रिलेशनशिप को बताते हैं, दर्शाते हैं। अगर वो नहीं लगाएंगे, हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी सेंटेंस का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको बच्चों को इस तरीके से समझाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रीपोजिशन सारे लिख दिए हैं और उनकी हिंदी भी लिखी है। जैसे इन का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर को हम यहाँ पे मे भी लिखेंगे, क्योंकि हम हर जगह अंदर शब्द यूज नहीं करते, मे यूज करते हैं। उसके बाद ऑन को क्या बोलते हैं, ऊपर, पर, अंडर नीचे, बिटवीन बीच में, बिहाइंड पीछे, नियर पास, इन फ्रंट ऑफ सामने। तो बच्चों को आप इस तरीके से पहले हिंदी में बताइए, क्योंकि अगर आप हिंदी में समझाएंगे, क्योंकि बच्चा हिंदी में जैसे बोलता है कोई भी सेंटेंस तो उसको आसानी से समझ में आएगा। बच्चों को हिंदी में समझाने के बाद आप इस तरीके से कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई पुरानी बुक हो तो उसमें से पिक्चर्स चिपका भी सकते हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी रहे कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बास्केट बनाई है, उसके अंदर मैंने फ्रूट्स बनाए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज द फ्रूट्स, तो यहाँ पे द फ्रूट्स आर डैश द बास्केट। तो बच्चों को जब हिंदी पता होगी तो वो अपने आप ही बताएगा कि फल कहाँ पर है, वेयर इज द फ्रूट्स, फल कहाँ पर है, फल टोकरी में है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम हमेशा इनको अंदर शब्द यूज नहीं करते, हम उसमें कहीं कहीं में भी यूज करते हैं, टोकरी में है। तो उसके लिए बच्चा क्या बताएगा यहाँ पे कि क्या फिल करना है, आर इन द बास्केट। उसके बाद आता है वेयर इज द फिश, जैसे यहाँ पे एक बोट बनी हुई है, यहाँ पे एक फिश बनी हुई है, द फिश इज बोट के क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे द फिश इज अंडर द बोट। तो इस तरीके से बच्चे को फिल कराना है।
वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ पर है? द एप्पल इज ऑन द टेबल, एप्पल मेज पर है, क्योंकि ऊपर शब्द हम कहीं कहीं यूज करते हैं, ज्यादातर हम पर शब्द यूज करते हैं, तो द एप्पल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट आता है वेयर इज द एंट, एंट कहाँ पर है? एंट प्लेट के नीचे है। वेयर इज द एंट? द एंट इज अंडर द प्लेट। नेक्स्ट आता है वेयर इज द ट्री, तो पिक्चर में देख के बताएगा बच्चा ट्री कहाँ पर है, हट के कहाँ पर है, इसके पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? द ट्री इज बिहाइंड द हट। नेक्स्ट आता है वेयर इज द मग, मग कहाँ पर है? द मग इज near the bucket, the mug is near the bucket, mug bucket के पास है। Next, where is the star? Star कहाँ पर है? The star is between, the star is between the triangle, यहाँ पे दो triangle बने हुए हैं, उसके बीच में है triangles. Next, where is the wall? The wall is, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे wall के सामने है tree, तो हम क्या लिखेंगे? The wall is in front of the, in front of the tree. तो इस तरीके से आप pictures बनाकर बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि ये जो prepositions होते हैं इनका तभी सेंस निकल पाता है जब बच्चा उसको पिक्चर्स के थ्रू समझ पाएगा, या फिर आप उसे कुछ लाइव एग्जांपल देकर भी सिखा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे को प्रीपोजिशंस में इन, ऑन, अंडर, इन सब में डिफरेंस पता चल जाएगा, उसके बाद आप कुछ फिलअप्स दे सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे चॉइस करने के लिए दीजिए, जिससे कि उसको थोड़ा ईजी रहे और डिफरेंस भी पता चले कि हम इन क्यों नहीं लगा रहे या ऑन क्यों नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे आता है कैंडल्स आर डैश द केक, तो इन आएगा या ऑन आएगा? यहाँ पे क्या है, मोमबत्तियां कहाँ पर है? केक के अंदर तो हो नहीं सकती, केक पर है, क्योंकि केक के ऊपर हम कैंडल लगाते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? आर ऑन द केक। तो ये आपको सेंस थोड़ा समझाना पड़ेगा, तब आप सेंटेंस करवाइएगा। द ट्री इज डैश द हट, द ट्री इज डैश द हट मीन्स यहाँ पे अंडर और बिहाइंड लिखा हुआ है, तो अंडर का मतलब बच्चा पढ़ चुका है नीचे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो हट कहाँ पर, ट्री कहाँ पर बोला जा रहा है? हट के या तो नीचे है या फिर पीछे है, तो जो चीज पॉसिबल है वही हम लिखेंगे, अंडर तो हो नहीं सकता क्योंकि हट के नीचे ट्री कैसे हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? बिहाइंड। तो ये आप इस तरीके से डिफरेंस समझाकर आप फिलअप्स कराइए, तो बच्चे को ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है द बॉय इज डैश द बॉक्स, बॉय कहाँ पर है? यहाँ पे अंडर लिखा है और नियर लिखा है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अंडर तो हो नहीं सकता, बॉक्स के नीचे नहीं हो सकता बॉय, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नियर। द वॉटर इज डैश द ग्लास, वॉटर इज इन डैश द ग्लास में हम यहाँ पे देखो इन और बिटवीन लिखा हुआ है, तो इन आएगा या बिटवीन आएगा? पानी ग्लास के बीच में है या पानी ग्लास के अंदर है या ग्लास में है, तो हम उसमें इन लगाएंगे। उसके बाद सिक्स इज डैश फाइव एंड सेवन, सिक्स कहाँ पर आता है? बिटवीन आता है या बिहाइंड आता है? बिहाइंड और बिटवीन, पीछे या बीच में, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? बिटवीन, फाइव और सिक्स, फाइव और सेवन के बीच में सिक्स आता है, फाइव सिक्स सेवन। द बॉयज आर डैश द क्लासरूम, बॉयज क्लासरूम बोला जा रहा है यहाँ पर,
तो क्या होगा, इन होगा या ऑन होगा? क्लासरूम के ऊपर तो हो नहीं सकते, क्लासरूम में है तो इन आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा मीनिंग समझाते हुए, उनका सेंस समझाते हुए कराएंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो पेरेंट्स, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल देकर और पिक्चर्स देकर समझाया है, इसी तरीके से आप घर पे बच्चों को समझाइएगा तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।